स्टेज की भी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं जो वो इस्लामाबाद मूव हो चुका हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि हम जो है वो या रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद की तरफ मूव होंगे। तो रावलपिंडी की तरफ मूव हुए और उसके बाद इस्लामाबाद मूव हो गए, और फिर यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला जो व्लॉग है मेरा वो है फैसल मस्जिद पर, आप मेरे बैग पर देख सकते हैं। और इसके व्लॉग हम शूट करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या ख़ास बात है। नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ग्रीनरी है हर जगह जो है वो पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी हर जगह जो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह कर बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर और व्यू देखते हैं। अब हम जो ये देखें, ये पार्किंग एरिया है और ये हमारी गाड़ी, इस गाड़ी पर आए हम, और यहाँ से आपको अब अंदर ले कर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर की व्यू। अच्छा देखें, ये पार्किंग एरिया है पूरा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ का व्यू चेक करें, माशाल्लाह नो डाउट बहुत बहुत खूबसूरत है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन से डेकोरेट किया हुआ है, और हरियाली ग्रीनरी, मतलब यहाँ पे हर जगह जो ग्रीनरी है जिस वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। ये हमारे साथ है मुसा। यहाँ पे देखें फैमिलीज़ यहाँ पे बैठ सकती हैं शाम के वक्त, और यहाँ पे टिकटॉकर्स, और उसके बाद यहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू। ये फैसल मस्जिद, अच्छा ये जो हम जाने वाले हैं अभी, एक मकबरा है, ये मकबरा उनका है, ज़ियाउल हक जो हमारे वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, वो शहीद हुए थे, तो उनको जो है वहाँ यहाँ पे दफन किया गया है। तो चलते हैं इनके मकबरा में और ज़ियारत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनकी बख्शिश फरमा दे। तो भाई यहाँ हम पहुँच चुके हैं और चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ आपको दिखाते हुए चलें कि यहाँ पे जो है वो पार्क है और यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें तस्वीर वाले, ये अक्सर लोगों को पागल बनाते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना है आपने, ये हर जगह मिलेंगे आपको। और इसके साथ ये देखें, मैंने ये ले लिया दाल चने 20 रुपये की, भूख लग रही थी, चलें ये खाते हैं। ये पानी हम साथ लेकर आते हैं, पानी पीते हैं। ये एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर एंटर होंगे, और यहाँ पर आपने अपनी सूची जो है वो जमा करवानी है। चलते हैं। ये टोकरी उठाओ मामू, एक मिनट वो जुड़ा तो ले दो ना यार मामू, आपने गर्मी में जुड़ा तुझे सुना पे हमने चप्पलें रखी है। क्या भाई हमने चप्पलें जमा करा दी है। और ये यहाँ पे जो है वो फाउंटेन हुआ करता था मेरे ख्याल से, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो सूखा पड़ा है। फ़िलहाल अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें व्यू, अलग अलग स्टेप्स हैं जहाँ पे लोग बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, और मारगला का पहाड़ भी नज़र आता है यहाँ से। क्या देखें ऊपर चलेंगे ना तो फिर आपको दिखाते हैं मारगला का पहाड़। सुना है अंदर चलते हैं। इधर से हाइट चेक करें, अंदर से आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए अंदर से व्यू,
ये जो है ना बहुत गर्म हो रहा है अभी, हालांकि शाम के 5 बज रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत गर्म है। अगर एक एडवाइस दे रहा हूँ आप लोग, अगर आप लोग आए तो ये वाइट वाले में आप लोगों ने पैर रख के जाना है, ये ठंडा होता है। बाकी इसके अलावा ये जो है ये गर्म होता है। चलाए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। अब ऊपर से आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाते चलूँ, ये देखें तो गाइज आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे इस व्लॉग से और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते चलें। तो इसकी हिस्ट्री ये है, सऊदी के जो बादशाह थे फैसल शाह, उनके नाम पे ये मस्जिद बनाई गई थी। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर वो सारी जो है वो फैसल बादशाह की थी। और डिज़ाइन का स्टाइल और यूनिक जो इन्होंने बनाया कि पूरा स्टाइल डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें जो थी वो सऊदी के बादशाह शाह फैसल के नाम पर थी। अच्छा साथ साथ आपको ये देखें यहाँ से दिखाते चलें, ये मारगल्ला का पहाड़ ठीक है, जो पीछे बैक पे इंशाल्लाह उस साइड भी हम जाएंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह उसके व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह चलेंगे। क्या हुआ मूसा? ये भी मूसा है। अच्छा यहाँ पर देखें लोग जो है वो वेटिंग एरिया है, यहाँ पर लोग बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। और ये एक अलग चप्पल रखने के लिए बनाई गई है, चप्पलें आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें लोग यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं, जैसे आए थक जाएं तो यहाँ पे बैठे हैं। बाकी इसके अलावा नमाज़ पढ़ने की जगह भी है ये। और आए आपको इस साइड दिखाते हैं, जब यहाँ से व्यू चेक करें आप, और यहाँ से हमें सेंटोरस की बिल्डिंग भी नज़र आती है। ये चार बिल्डिंग एक साथ ही हैं? तीन बिल्डिंग है। तीन है, अच्छा एक और कोई और सर, ये तीन जो है ये सेंटरस है। और इसके साथ यहाँ से व्यू चेक करें, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, इस वजह का यहाँ का माहौल इन्वायरमेंट सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। ये फैसल मस्जिद की हदूद है, बाकी इसके अलावा दूर में भी आपको देखें ग्रीनरी नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है, और इस्लामाबाद की ये खूबसूरती। बाकी यहाँ से मारगल्ला पहाड़ भी नज़र आ रहा है, और दिखाता हूँ आपको उस साइड से। ये देखिए यहाँ से मारगल्ला पहाड़ पूरा नज़र आता है, अंधेरा हो रहा है वहाँ पे क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा है, अभी इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये देखिए यहाँ से ये पूरा इस्लामाबाद देखिए, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत है, इस पर कोई शक नहीं है कि खूबसूरती रही है, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है यहाँ की। चलें अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या मिलता है हमें यहाँ पे, यहाँ से चलते हैं। तो हाँ गर्मी की वजह से भी, और वो पीटीआई जलसा की वजह से भी हो सकता है। हाँ ये देखें यहाँ से भी माशाल्लाह, यहाँ से भी आपको पूरा नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर वो नज़र आता है जहाँ से हम होकर आए। अभी सीढ़ियाँ भी देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन पर बनाई हुई है। और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ व्यू दिखाऊँ तो आप व्यू चेक करें, चले हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, यहाँ पे लड़के फोटो लेते हैं।
यहाँ नमाज पढ़ने का तो मज़ा ही अलग है। इसका नज़ारा इसके ऊपर का नज़ारे की बनाई। हाँ स्टेज की भी बनाई। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा हमारे आज के ब्लॉग से, और ये कि आपको मस्जिद के अंदर के नज़ारे भी दिखाए। अंदर नमाज़ हो रही थी तो अब मुझे भी जल्दी जाना है क्योंकि नमाज़ को काफ़ी देर हो चुकी है। नमाज़ पीछे आप आवाज़ सुन रहे होंगे, तो अब ये कि मैं जा रहा हूँ वज़ू करने, और वज़ू करने के बाद जो है फिर जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नमाज़ के बाद इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करके लाजमी अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि हम जो है वो मोटिवेट होए और इससे अच्छी वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इस्लामाबाद अभी घूमना है हमने, उसके बाद चकवाल घूमना है, और भी इस तरह की सिटीज़ हैं जहाँ पे हमने अभी जाना है। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। थैंक यू। पागल है तू, ये देखा इंसान था तो मैं खुदा की ना फरमानी, खुदा की ना फरमानी, अल्लाह पागल है तो मंदिर बना दी। अरे इंसान है पता नहीं क्या गाजर है वाह तुम नहीं भूली पत्ती सारे इंसान वाले काम है सब लीजिए वो सामने।